अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर के भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना कि 2 वर्ष के बोनस के वादे, रबी फसलों की खरीदी, धान प्रति एकड़ 20 क्विंटल लेने आदि मुद्दों को लेकर के वे अपनी बात उठा रहे हैं। भारतीय किसान संघ के जिलों से कार्यकर्ताओं ने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। अपनी 15 सूत्री मांगों में उन्होंने पूर्व घोषित सिंचाई परियोजना और अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, वहीं धान खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल करने की भी उन्होंने मांग की है। चुनावी घोषणा पत्र में घोषित पूर्व सरकार के 2 वर्ष का बोनस देने का भी वादा पूरा करने के लिए अपील की गई है। इसके अलावा कबीरधाम और मुंगेली जिले के नवीन शक्कर कारखाने खोलने की मांग भी प्रदर्शनकारी द्वारा की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से वर्तमान सरकार किसानों के विषय को लेकर के लोक लुभावन वादे की थी और उसके दम पर किसानों ने उनकी सरकार बनाई, ऐसे सरकार को हम उनके वादा खिलाफी का आज याद दिलाने के लिए यहाँ पर आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक एक बीज धान खरीदेंगे और धान खरीदी के नाम पर मात्र 15 क्विंटल धान खरीदी की जा रही है, जिसे 20 क्विंटल करना निदान्त आवश्यक है। आज किसानों की पैदावार बढ़ी है और ज़्यादा उपज कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में किसान जो है 15 क्विंटल से जो शेष बचता है उसे बहुत ही सस्ते दाम पर औने पौने में बेचा जाता है। साथ ही जिस तरीके से इस सरकार ने वादा किया था कि हम 2 साल का बोनस पूर्ववर्ती सरकार का देंगे, आज 4 वर्ष पूरा होने जा रहा है। हम बोलते हैं बोनस तो सरकार बोलती है कोनस, तो सरकार को हमको किसानों का जो उपेक्षा किया जा रहा है और जो वादा खिलाफी की जा रही है उसी को लेकर हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं।